परमेश्वर का फिर से मैं धन्यवाद करूंगा। अनमोल अवसर परमेश्वर फिर देते हैं हम मिलकर आने के लिए और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। हम धन्य हैं। अक्सर मैं ये बात याद करता हूं, जैसे इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने मन्ना दिया था, छठवां दिन रोज से दुगुना उनको बिनना चाहिए था, क्योंकि सप्तक का दिन उनको मन्ना नहीं मिलती थी, राशन की दुकान बंद रहती थी उनके सप्तक के दिन, इसलिए उससे पहले उन्हें दुगुना लेना था। उसी प्रकार जब हमें परमेश्वर का वचन उपलब्ध है तब हम उसको इकट्ठा करें, ताकि हो सकता है अकाल के समय आए, वचन हमें ना मिले, ऐसे समय में भी अगर हमको रहना पड़े तो प्रभु के उपस्थिति में हमें अकाल से मरना ना पड़े, आध्यात्मिक अकाल से। इसलिए परमेश्वर के वचन जब हमें मिलता है सुबह शाम दिन भर में, न जाने कितने मीटिंगों में हम शामिल होते, लेकिन वो सब हमारे आध्यात्मिक जीवन को बनाने वाले बन जाए, तो उसके लिए अपने जीवन समर्पण करते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। तो हम सीख रहे थे उन वचनों की ओर, फिर हम चलेंगे। आपको याद है हम पवित्र लोगों के न्याय के बारे में देख रहे हैं, वो हमारे सिलसिले में है, तो थोड़ा सा मैं विवरण दे करके जा रहा था, बाकी न्यायों में इतना मैं विवरण नहीं दूंगा, ये हमारे लिए है, तो बिल्कुल हमें इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हमने कल आखिरी में देखा कि हम जो अंदर से हैं वो परमेश्वर प्रकट करेंगे। हम बहुत बार तो कपटी लोग रहते हैं, हिपोक्राइट्स रहते हैं, कपटी या कपट भक्ति, कपटता, पाखंड भक्ति, पाखंड, ये सब तो अपन बोलते हैं, तो वो पाखंडता, वो कपटता, उसका जो मूल शब्द है ये है, एक सिनेमा में या नाटक में भाग लेने वाला एक एक्टर, एक एक्टर, शायद 20 साल की एक लड़की होगी, वो सिनेमा के अंदर 70 साल की बूढ़ी माँ की जो वेश धारण करती है, असलियत में उसका उम्र तो केवल 20 साल की जवान लड़की है, लेकिन वो सिनेमा में या वो नाटक में उसको एक माताजी का रोल करना है, तो 70 साल की, 80 साल की जो भी है बुजुर्ग माँ के रूप में वो प्रकट होती है। वो केवल कितने टाइम के लिए, जब तक वो नाटक या सिनेमा था उसकी सच में, बस उतने ही समय। उसका नाम है कपटता, हिपोक्रेसी, मूल शब्द में वही मतलब है कि स्टेज में, मंच पे आकर वो लड़की ने ऐसे किसी का रूप प्रकट किया जो वो है ही नहीं। ठीक है, तान अल्लात्त ओराळिने स्टेजे अवतरिप्पिक्कुन्न परिवाडियुडे पेरान कपटता। കപടഭക്തി എന്നുള്ളതിന് ഹിപ്പോക്രസി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൂലവാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണിത്. ഹിപ്പോക്രസി, കപടത, പാഖണ്ഡത, ഉസ്ക മൂൽ ശബ്ദ കാ മൂൽ ഭാഷാ കാ അർത്ഥ ഹൈ ജോ മനേ ബോലാ. അബ മഞ്ച് പർ വോ ആക്ടർ, സിനിമ കാ ആക്ടർ, ഉസ്ക ജോ ആക്ട് കർത്താ ഹൈ, वो
वो व्यक्ति को प्रस्तुत करता है जो वो है ही नहीं। ठीक है, 50-100 साल पहले मर चुका एक व्यक्ति के रूप मंच पर, नाटक या सिनेमे के मंच पर एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। उस समय में वो व्यक्ति, ये जो प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, वो नहीं है जिसकी बारे में बता रहा है। उसी प्रकार कई बार तो हम लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत होते हैं जो हम है ही नहीं। असलियत में हम अंदर से वो नहीं है जो हम बाहर दिखा रहे हैं। कई बार तो ऐसे होते हैं, ज्यादातर मेरे ख्याल से वही है हमारे हालात। लेकिन वो सारे पोल खुदा खोलेंगे। इसलिए है, शायद आपने सुने होंगे, पहले कोई पास्टर प्रचार कर रहा था, तो प्रचार के बीच में पत्नी चर्च में से उठकर चली गई। घर पे जाके पति के सारे बिस्तर कपड़े सब बांध करके ला लिया और मंच पे रख दिया और बोले कि तुम यहीं रहो, वही ठीक है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मंच पर आते हो तो बिल्कुल स्वर्गदूत जैसा रहता है, लेकिन घर पे आते हो तो बिल्कुल इबलिस जैसे हो जाते हो, तो तुम यहीं रहो, हमें खाना यहीं पहुंचा दी करूंगी। देखिए, हम पास्टरों की बात बोले तो आपको नाराज नहीं लगेगी। तो प्रचारक लोग भी जो मंच पर है वो नहीं होते अक्सर घर के अंदर, उनकी व्यक्ति के जीवन में वो नहीं होते अक्सर। नहीं प्यारों, ऐसे है तो प्रभु हमारे सब पोल खोलने वाला दिन होगा, वो न्याय का दिन। अगर किसी भी तरह स्वर्ग जाने को भी मिले तो भी हम शर्मिंदे हो जाएंगे। ऐसे नहीं कभी होना। ये बात से ही, ये बात जानकर ही हम हमारे कदम रखें कि मेरा सारे रहस्यों को परमेश्वर खोलेंगे, मेरा कुछ भी रहस्य परमेश्वर के लिए छिपा नहीं रहेगा। यह जानकर ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी जिंदगी को बिताएं। इसीलिए प्यारों, जब हम अकेले अकेले में भी हो, हमें पहचानने वाले भी कोई ना हो, हम जब अंधेरे में भी हो, उन हर समय भी हम तो बिल्कुल पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर उसके लिए हमारे सहायता करें। तो कहने का मतलब यह है, हमारे गुप्त विचार, हमारे गुप्त चाहत, हमारे जो जो हमने बोला है, ठीक है ना, हम बोलने वाले शब्दों का भी न्याय करेंगे, और हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, हमारे संकल्प, निर्णय, डिसीशंस, हमारे डिसायर्स, इच्छाएं, हमारे वर्क्स, काम, एटीट्यूड, हमारे लक्ष्य, हमारे सब कुछ का न्याय प्रभु करेंगे। ऐसे कोई क्षेत्र नहीं होगा जो परमेश्वर खुलासा नहीं करेंगे, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसका न्याय परमेश्वर नहीं करेंगे। तो हर एक बात को प्रभु प्रकट करेंगे, हर क्षेत्र में परमेश्वर न्याय करेंगे। तो आओ प्यारों, उस न्याय के लिए हम बिल्कुल ही तैयार हो जाएं। जैसे इसराइलियों से परमेश्वर ने कहा, ठीक वैसे ही वो वचन भी पढ़ करके हम आगे चलेंगे। आमोस 4:12 इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हे इज़राइल, तुम अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। वही बात आज परमेश्वर हमसे भी बता रहे हैं।
कि परमेश्वर के सामने आने के लिए हम भी तैयार हो जाएं। परमेश्वर के सामने परमेश्वर हमारे न्याय करेंगे, तब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हिम्मत के साथ में रहना होगा, हियाव के साथ में परमेश्वर के सामना करना होगा। हमें लज्जित नहीं होना, डरना नहीं। वो वचन भी पढ़िएगा, हमने पहले एक बार पढ़े थे, फिर भी लूका 21 का 34, 35, 36, विशेषकर 36वां पद है, फिर भी 34 से लेकर पढ़िएगा। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इन सभी चीजों से, इन घटनाओं की सिलसिला से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुम योग्य बनो। तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि हमें प्रभु के सामने आने के लिए तैयार होना, यीशु मसीह के सामने प्रकट होने के लिए तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? जैसे थ्रू सेल्फ जजमेंट, खुद को जांचते हुए, अपने आप को परखते हुए, परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को हर पल परखते रहें, हर पल परखते रहें। और जब जब हम परखते समय जिंदगी में त्रुटियां मिले, तुरंत तुरंत उन बातों को परमेश्वर से माने और छोड़ें, परमेश्वर से हमारे अपराधों को माने और छोड़ें। जैसे पहला यूहन्ना 1:7-9 में लिखा है, वैसे ही हम अपने पापों को माने और छोड़ भी दें तो प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। और हमने माने और छोड़े हुए पापों को दोबारा दोहराना नहीं, हमने माने और छोड़े हुए पापों को दोहराना नहीं, नेवर रिपीट दो सिंस। हमें उन्हीं पापों को दोहरा करके मत करना, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो प्रभु में हम बने रहें, अबाइड इन द लॉर्ड, प्रभु में हमें बने रहना है। पहले भी हमने जो 30-32 बातों को देखे थे प्रभु की आगमन के लिए हमें क्या करना है, सबसे खास वो बातें थी, उन बातें। तो उन बातों का पालन यदि करोगे तो प्रभु के सामने खड़े होने में हम योग्य बन जाएंगे, नहीं तो हम धरधराएंगे, लज्जित होंगे और प्रभु के सामने खड़े रहने के लिए हमें हिम्मत नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगा। आगे हम उसी न्याय में बढ़ेंगे कि परमेश्वर हमारे कामों का न्याय करेंगे। अब हम चलेंगे 1 Corinthians 3:10-15 तक के पदों में। परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। 15 यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम
प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। यहां पर पौलुस प्रेरित ने बताया कि हमको हमारे कामों का परख आग से जब किया जाएगा तो हमें अपने कामों के साथ ही साथ में खुद को भी बचाना है। तो देखिए परमेश्वर, मैंने पहले बोला था ये कामों का न्याय, यहां पर दो प्रकार के काम हम देख सकते हैं, वैसे छह प्रकार के काम हैं, सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर। इन तीनों को हम अविनाशी काम समझ सकते हैं, ओके, इम्पेरिशेबल वर्क्स, अविनाशी काम या अविनाशी चीजों से बनाए जाने वाला काम। और दूसरे झुंड में तीन हैं, खाट, भूस और घास। ये तीनों ही आग में नाश किए जाने वाली बात है, नाशवान काम। सो पेरिशेबल एंड इम्पेरिशेबल वर्क्स। एक भक्त का उद्धार पाया हुआ, एक मसीही जन के जिंदगी का जो न्याय होगा, कामों का न्याय होगा, ये दो प्रकार के काम वहां पर प्रकट होंगे। एक है आग में नाश न होने वाले अविनाशी कामों के न्याय, दूसरे न्याय करते समय आग में जल जाने वाले काम, नाशवान काम। हम हर किसी की, हर भक्त की भी जिंदगी में ये दोनों तरह के काम है, अविनाशी भी है नाशवान भी है। अविनाशी में बताया है सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर, इन तीनों चीजों को आग में डाल दो तो नष्ट नहीं होंगे, जलेंगे पिघलेंगे, उसकी अंदर की गंदगी बाहर जाएगी लेकिन ये नष्ट नहीं होंगे। आप आग, आप सोना चांदी को कितना भी पिघला दो, धातुओं को आप कितना भी जला दो, शुद्ध होते जाएंगे, चमकते जाएंगे, गंदगी निकलती जाएगी, साफ होता जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो काम है लकड़ी, खाट, भूस और घास, वो आग में जलकर भस्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल ये बात को समझना है प्यारों, हम उद्धार पाने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद, हमारी जिंदगी के सभी बातें इसी प्रकार परमेश्वर के लेखा में लिया जाएगा। ठीक है, आप खाना खाने से लेके नहाने, कपड़ा पहनने से लेके, पति पत्नी बात करने से लेके, दोस्त लोग बात करने से लेके, गुप्त में बात करने से लेके, सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ परमेश्वर की लेखा में लिया जाएगा। धोखे में मत रहिए, धोखे में मत रहिए। आपने पिछले किसी समय में देखा जब केवल जूम मीटिंग ही होते हैं तो ठीक है, मेरे पीछे नहीं तो आपके पीछे कोई आते हैं, बस जूम मीटिंग में उस पल के लिए गुजरे। लेकिन जब रिकॉर्डिंग होता है तो पीछे से साथ में कोई आवे कुछ हो तो वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड बना रहता है। पहले जब अपना मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होता था तो घर के अंदर
बच्चे कभी मेरे आसपास से गुजरते थे तो उनका झलक आ जाती थी। बच्चों को नहीं मालूम था कि रिकॉर्ड होना शुरू कर दिया, पहले जैसे मेरे आसपास से गुजरने लगे रिकॉर्डिंग के शुरू शुरू के एक दो में हमारे बच्चों की झलक आपको देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड हो गया। उसी प्रकार जब से हम प्रभु में हैं, तब से लेकर हमारी जिंदगी की सब कुछ खींचा गया है, रिकॉर्ड हो चुका है, वो नष्ट नहीं होगा। हाँ, शायद आपको शक होंगे तो क्या हम प्रभु में आने के बाद ने जो कुछ भी गलती किया वो सब कुछ, जरूर। तो सवाल होगा, हमने जो बातें परमेश्वर से मान भी लिया छोड़ भी दिया वो नहीं, उन चीजों का नहीं, ठीक है। अब तो काफी लोगों को खुशी लग रहा होगा, जो प्रभु में आने के बाद हमने किया है, बोला है, सोचा है, चाहा है, उन सारे चीजों का लेख हमारे परमेश्वर के पास, न्याय के दिन में वो सब कुछ प्रकट करेंगे। हाँ, लेकिन एक छूट है, यदि हमने पाप करने के बाद अपने पापों को परमेश्वर से माना और छोड़ भी दिया और दोबारा उसको करते भी नहीं, तो उन बातों को भी परमेश्वर लेखा में नहीं लेंगे, वो बातें न्याय के समय में सामने नहीं लाया जाएगा, उन बातों को परमेश्वर अपने सामने, नहीं तो परमेश्वर पिता और स्वर्गदूत और सारे पवित्र लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे। जो माफ हुआ है वो पाप नहीं। कौन सा पाप माफ हुआ? जिन पापों को हमने सच्चे दिल से माना और त्यागा। प्रेज गॉड, जो बातें हमने सच्चे दिल से ईमानदारी से माने और छोड़े हैं, उन पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। उन क्षमा किए गए ये पाप कुछ भी न्याय के आसन के सामने प्रकट नहीं होगा। बाकी सब पाप काम ही काम नहीं, बाकी सब कुछ जो हमने पिछले दो तीन दिन से मनन की, विचार से, चाहत से, योजना से, प्लानिंग एंड काउंसिल से लेकर सब कुछ। इसलिए बहुत ही सावधान। मसीही जिंदगी बढ़ने वाली जिंदगी है, सिद्धता की ओर बढ़ने वाली जीवन। उस सिद्धता की ओर बढ़ते बढ़ते में हम सिद्धता को हासिल करते हैं। सिद्धता को हासिल करने से पहले बचपने के कई सारे पाप हमारे जीवन में जरूर हुए होंगे, होते भी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हम उन बचपने की सभी पापों को छोड़ते जाएंगे, बचपने की सब बातें रखते नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें जब बढ़ते जाना है तो ये बात को याद रखें कि परमेश्वर हमारे सभी कामों का न्याय करेंगे, बदला देंगे। प्यारो, प्रभु ने हमको खरीदा है, हम पापों में अपने जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर ने हमको खरीद कर अपना संतान बना दिया, तब हमने स्व इच्छा से प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण किया। प्रभु ने जबरदस्ती तो नहीं किया था ना विश्वास करने के लिए, हमको प्रभु ने अपना पहचान दिया, किसी ने सुसमाचार सुनाया, नहीं तो बाइबल पढ़ा, तो हमने खुद ही निर्णय लिया था कि ठीक है प्रभु, आपने मुझे बचाया है तो मेरी शेष जीवन आपके लिए बिताऊंगी। ऐसे करके हम प्रभु के साथ हो लेने लगे। तो मसीह के साथ में जब हम हो लेने लगे तो प्रभु ने
परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने के लिए हमें लगाया। हम करने वाले काम, बोलने वाले शब्द, इन सब का लेखा प्रभु लेने लगे। ये तीन प्रकार के रीति में, या दो प्रकार के, तीन तीन करके, तीन तीन छे, उसको दो भागों में बांटा, अविनाशी और नाशवान। क्या है ये अविनाशी? वो अविनाशी सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर, उस प्रकार के काम क्या है? थोड़े हैं मगर कीमती हैं, देखने में बहुत नहीं है लेकिन अवश्य कीमती है। थोड़े या छोटे लेकिन कीमत बहुत ही ज्यादा है, कीमत बहुत ही ज्यादा है। जब हम 2000 का नोट, 2000 का केवल एक ही नोट रहता है, लेकिन 100-100 का कर दो तो बहुत से पैसा। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं, अरे यार एक ही नोट रख करके क्या करें, थोड़ा चिल्लर दे दो, मेरा पर्स को मैं भर दूं ताकि देखने वालों को लगे कि बहुत पैसा मेरे पास। लेकिन आप 2000 का एक नोट रखो या 2000 का आप एक एक रुपया का 2000 नोट रखो, कीमत तो एक ही है। 2000 वाला तो देखने में थोड़ा सा ही होगा लेकिन दूसरा वाला बहुत दिखेगा मगर कीमत उतना। सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर देखने में थोड़ा सा ही है लेकिन दूसरा वाला लकड़ी, घास और भूसे, क्वांटिटी देखने में तो बहुत है लेकिन कीमत बहुत कम। पहले वाला अविनाशी काम देखने में थोड़ा या छोटा मगर मूल्य उसका बहुत है। दूसरा काम नाशवान, देखने में बहुत है लेकिन कीमत बहुत ही कम है, मूल्य बहुत ही कम है। क्या है ये? जैसे किसी ने, मैंने एक किताब में पढ़ा था, मुर्गी अंडा देती है, अभी मानो 5 रुपये का होगा या ज्यादा से ज्यादा मानो अभी देशी है तो 10 रुपये का। 10 रुपये का अंडा देकर वो तो पूरे गांव को चिल्लाकर बताएगी, मैंने अंडा दे दिया। लेकिन हाथी बच्चा देती है, हथनी बच्चा देती है, लाखों का होता है, लाखों का, लेकिन हथनी उसके बाद पूरे गांव वालों को चिल्ला के बोलती है नहीं, वो छुप रहती है। एक छोटी सी बहुत ही कम पैसे की अंडा देने वाली मुर्गी जैसे बहुत लोग प्रभु के लिए इतू सा कुछ काम करते हैं और पूरी दुनिया को बता देते हैं। लेकिन लेकिन कुछ लोग हैं बहुत कीमती चीजें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रभु के लिए करते हैं तो भी चुप रहते हैं। तो इनमें से देखिए, इनमें से पहला वाला जो थोड़ा कुछ करते हैं और सबको बताते हैं, वो भूसे का काम है, प्रतिफल कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, जब तुम किसी को कुछ दान करोगे तो जो दाएं हाथ करते हैं वो बाएं को बताना नहीं, गुप्त में तुम्हें देखने वाला परमेश्वर पिता तुम्हें प्रतिफल देंगे। लेकिन यहूदी लोग क्या करते थे, किसी को भीख मांगने के लिए कोई आया, 5 पैसा दे दें तो उसके सामने नरसिंगे फूंकवाते थे ताकि सब लोगों का ध्यान दे, उसके बाद में 5 पैसा दे। इसलिए बोलते हैं
सिक्के तो आवाज करती हैं लेकिन नोट आवाज नहीं करती। सिक्के तो सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत आवाज करते हैं। तो हमारी मसीही जिंदगी में और हमारे मसीही सेवकाई में हम सोचो मुर्गी जैसे हैं कि हथनी जैसे हैं, हम सोचो कि सिक्के जैसे हैं कि करेंसी नोट जैसे हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि हमारे काम, हमारी मसीही जिंदगी सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर से बन रहे हैं या फिर खाट और भूसा घास से बन रहे हैं। पौलुस बता रहा है कि प्रभु में आने के बाद हमारे सेवकाई और हमारी जिंदगी एक बनावट जैसा है, एक मकान जैसा है, एक कंस्ट्रक्शन है। वो कंस्ट्रक्शन में, उस बनावट में हम क्या क्या लगाते हैं ये देखना। किसी किसी के घर में जाते हैं तो झुग्गी झोपड़ियां हैं, बैठने के लिए जगह नहीं होती। हमारे इधर मुंबई में तो बहुत स्लम एरिया है, किसी किसी जगह पे आप जाओगे तो घर तो होंगे उनके 3 मंजिला 4 मंजिला लेकिन कुल मिला के ये कमरे का उतना भी नहीं होगा। हम ट्रेन में सफर करते समय स्लीपर में जाते हैं ना, तो सब लोग सोने के लिए अपने बिस्तर बिछा लें तो बैठना नहीं हो पाता। उसी प्रकार यहां पर मुंबई में कई सारे झुग्गी झोपड़ियां हैं, घर के अंदर बैठ के कपड़ा पहनना नहीं होता, खड़ा नहीं हो पाते, बैठे बैठे अंदर जाओ, बैठे बैठे बाहर आ जाओ। तो कुछ ऐसे हैं, तो कुछ लोगों की जिंदगी उसी प्रकार के मकान हैं, वो तो नाशवान चीजों से बने हुए होते हैं। लेकिन पौलुस बताता है मैं तो अपनी जिंदगी और सेवकाई को उन चीजों से नहीं, बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह मैं जो बनाता हूं वो है बिल्कुल सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर, क्योंकि ये बनावट आग से परखी जाएगी। तो इसीलिए एक लेखक ने लिखा हुआ बात मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने इस प्रकार कहा है, स्क्रेडर नाम का एक लेखक था, उन्होंने बताया हुआ बात है, कहा कि कुछ लोग विश्वास रूपी सोने से, आशा रूपी चांदी से और प्रेम रूपी अविनाशी बहुमूल्य पत्थर से अपनी जिंदगी को और सेवकाई को बनाते हैं। उन्होंने यहां पर दिया हुआ एक दृष्टांत है, सोना विश्वास को दर्शाता है, चांदी आशा को दर्शाता है, बहुमूल्य पत्थर प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने ऐसे लिया, इसीलिए लिया है कि पत्रस की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे विश्वास की परख चोखे सोने से भी ज्यादा है। तो वहां विश्वास को सोने के साथ में तुलना किया, इसीलिए इन्होंने सोने के काम विश्वास के काम को लिया। तो जो भी है, हम विश्वास आशा और प्रेम में होकर जो काम करते हैं वो चिरस्थाई रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, मसीह में नहीं लेकिन भले काम कर लेते हैं, भलाई के काम रूपी निर्जीव खाट से और आत्म पवित्र आत्मा रहित और स्वार्थ को उठाकर दिखाने के लिए, खुद घमंड करने के लिए कुछ दिखावे की काम करते हुए और बुद्धि और ज्ञान की
काम करते हुए जो बिल्कुल अंदर से खाली रहने वाली भूसा, उस प्रकार के कामों को कई सारे लोग करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा है खाट, घास और भूस। उन्होंने कहा घाट लकड़ी का काम क्या है कि निष्फल भलाई के काम। बहुत लोग सोचते हैं चोरी करते हैं, चोरी करके वो श्राप हटने के लिए चोरी की माल में से कुछ तो चर्च दे देते हैं, चोरी की माल में से कुछ तो कंगालों को बांटते हैं। मैं जानता हूं बहुत से लोगों को। मैं एक कलीसिया में सेवकाई करता था, वहां एक परिवार थे, तो मैं वहां जब पहुंचा तो पता चला कि हर साल उस कलीसिया की पुताई एक भाई करता था, ठीक है। हर साल चर्च बिल्डिंग का पुताई वो एक भाई करता। मैं रहा दो कलीसिया में, ऐसे दो परिवार थे, दो कलीसिया में दो ऐसे परिवार थे। कौन है कहां है मत पूछना, दो ऐसे परिवार दो जगह पे कि कलीसिया की पुताई दिवाली की नहीं तो क्रिसमस के समय में वे लोग कराते थे। चर्च से कोई पैसा नहीं लेते थे, वे अपने तरफ से करते थे। तो मैं वहां पहुंचा तो चर्च के लोगों ने मुझे बोला कि हाँ ऐसे 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 चलता है, तो ठीक है, अच्छी बात। लेकिन मैं वहां पास्टर बन के कुछ साल रहा तब पता चला ये लोग क्यों करने लगे। उनमें से एक तो ठेकेदार है, एक ठेकेदार, वो ठेका लेने वाला काम वहां पर पुताई के लिए खरीदने वाले सामान उनमें से कुछ तो चर्च के लिए हटा देता था। बाद में पता चला ये भाई साहब ये चोरी की माल से चर्च की पुताई इसीलिए करता था कि चोरी का श्राप उन पर ना लगे। ठेकेदार है, ठेका लेता है किसी मकान का और वहां पर पेंटिंग का भी ठेका लेता है, तो वहां पेंटिंग करने के लिए वो घर वालों के, उस कार्यालय वालों की, वो कंपनी वालों के पैसे से खरीदने वाला सामान सीधे चर्च में ला करके पुताई करके चले जाते थे। उनको कोई घाटा है? कुछ नहीं। दूसरा व्यक्ति भी करीब करीब वही हाल था। देखो अपने पैसे से नहीं लेकिन चोरी की माल से भलाई कहा था। दूसरे एक भाई था, कुष्ठ रोगियां रहने वाले जगह पे जाके साल में एक दो बार खाना खिलाता था कुष्ठ रोगियों को। कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी था, कोढ़ियों की कॉलोनी, वहां साल में दो बार जाके अन्न खिलाता था। लेकिन वो क्यों अन्न खिलाता था मालूम? वो केवल 5,000 रुपया पगार में काम करने वाला आदमी था, केवल 5,000 रुपया में। लेकिन वो अपना पैसा ब्याज में दे देकर बहुत, कभी कभी न जाने 50% तक भी, शायद उससे ज्यादा भी वो ब्याज लेता था। ब्याज में पैसा दे देकर बड़ा धनी बन गया। एक बार मैं परमेश्वर के वचन से प्रचार किया, 15वां भजन संहिता था, स्वर्ग जाने वालों की योग्यताओं के बारे में लिखते समय वहां पर लिखा है अपना रुपया, अपना पैसा ब्याज पे ना देने वाला स्वर्ग जाएगा, परमेश्वर के पवित्र स्थान पर।
तो उस दिन मैंने ब्याज पे पैसा देने वालों के बारे में वचन के अनुसार सिखाया। मुझे नहीं मालूम था ये भाई साहब ऐसा है, लेकिन अगला दिन अगला हफ्ता मैं उनके घर में विजिटिंग के लिए गया तो उनने बोला, पास्टर आज हर बार मैं जाता था तो खूब खाना खिलाता था और गाड़ी में पेट्रोल डाल के देता था, ऊपर से पैसा भी देता था, लेकिन उस दिन उन्होंने चाय मात्र पिलाया, कुछ खाने नहीं दिया, पेट्रोल नहीं, और आते समय खाली हाथ मिलाया। तो बोला, पास्टर आज तो खाली हाथ है। मैंने कहा, उसमें क्या हो गया? नहीं, हर बार तो कुछ देता था, उसमें क्या हो गया? मैं उसके लिए थोड़ी आता हूं। नहीं, फिर भी मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको खाली खाली भेजें। मैंने कहा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उसके लिए नहीं आते। उसके बाद वो हाथ छोड़ा नहीं, दूसरा हाथ से सिर खुजा खुजा करके बोला कि आप अगर अनुमति दे दे तो मैं दे दूंगा पैसा। कि बोला कि कौन अनुमति? हाँ, आपने संडे को प्रचार किया था ना, क्या ब्याज पे पैसा ना देना? हाँ, वो तो है, नहीं उसके लिए अनुमति दे देंगे तो मैं आपको दशांश दे दूंगा। वो नहीं चाहिए। उस दिन वो भोला आदमी था शायद, उन्हें खुलेआम मुझे बता दिया, देखो पास्टर मेरा तो 5,000 रुपया पगार है, मैं ऐसे एक काम छोटा सा एक इसमें करता हूं और मैं ऐसे आसपास की जिंदगी बिताता हूं, ऐसे कमाता हूं, इसीलिए मैं पैसा आपको खूब देता था, महीने में खूब पैसा देता था, वो चर्च में जो भी प्रोग्राम होता था सबसे ज्यादा वही पैसा देता था, कुष्ठ रोगियों को वही खिलाता था, बुताई का खर्चा वही उठाता था। लेकिन वो सब क्यों? हमारे सामने तो भलाई का काम, लेकिन पीछे क्या है? बुराई की कमाई। बुराई की कमाई से भलाई के काम करो, ये काम घास घूस का काम है। बहुत लोग हैं घूस लेते हैं ऑफिस में काम करने वाले, चाहे आप डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो, स्कूल चलाने वाले लोग भी तो है ना। फेल हुए बच्चों को पास कराने के लिए पैसा ले लोगे, उसकी शराब हटने के लिए दशवां से ज्यादा डाल दोगे, काम नहीं चलेगा, पास्टर खुश हो जाएगा शायद, परमेश्वर खुश नहीं होंगे। घूस मत लेना, अन्याय की कमाई मत करना, बुराई से कमाकर भलाई का काम करने की कोशिश मत करना। उस प्रकार सब करना तो ये होता है कि बिल्कुल नाशवान काम ऐसा ना हो। और उसके बाद में कुछ काम ऐसे हम लोग करते हैं जो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपना नाम, अपना शक्ल आने के लिए होता है ना। कोई जो फोटो लेते हैं तो भले ही शरीर ना दिखे फिर भी मुंडी कहीं से ला करके डाल देते हैं उसमें ना। और कुछ लोग कुछ नहीं तो हाथ ऊंचे ऊपर कर देते हैं, भले ही हमारी चेहरा ना देखे लेकिन हाथ तो दिखे। हम अक्सर जो करते हैं दिखावे के काम। केरल में एक प्रभु के दास ने एक बार कहा था, एक आदमी को घर पे काम पे लगाया, वो घर वाला ऑफिस दफ्तर जाता है नौकरी के लिए, तो जाने से पहले मजदूर लगा के गया, तो उसके काम था घर के पीछे संडास के लिए गड्ढा खोदना। ठीक है, सब बोल करके हथियार सब दे करके चला गया, और शाम को इसको मजदूरी देने के लिए थोड़ा जल्दी आया, वो ऑफिस से आया तो घर के दूर से ही दिखाई दे रहा है कि घर के बाहर के दीवालों पे कोई पुताई कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। तो इन्हें सोचा कि घर पे किसी को पुताई पे तो नहीं लगाया, मेरा घर ही तो है ना,
हाँ मेरा ही तो घर है, लेकिन पुताई नजदीक आके देखा तो वो ही आदमी है जिसको घर के पीछे गड्ढा खोदने लगाया था, वो आदमी अभी घर के सामने आके दीवार पे ट्रेन मार रहा है। पूछे क्यों भाई, ये क्यों कर रहा है? बोला साहब मैं तो गड्ढा खोद रहा था लेकिन घर के पीछे कोई देखता नहीं, गड्ढा भी निचला हो गया तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, तो मेरा काम कोई देख ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा यहां आके पुताई करें तो सड़क से जाने वाले सब देखेगा। बोला ट्रेन के लिए पैसा? अरे पैसा तो मैंने खर्च किया, उसमें क्या है, 10 लोग देखे तो पैसा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें। देखिए कलीसिया के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, गुप्त में प्रार्थना करना पसंद है अपन को या फिर दो लोगों के सामने प्रचार करना पसंद है अपन को? गुप्त में परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना पसंद है अपन को या माइक के सामने आके गाना गाना पसंद है अपन को? और हमने किया हुआ काम सारी दुनिया के लोग जानने के लिए हम तो चाहते हैं, पक्का भूसे का काम है, पक्का भूसे का काम है। जिस दिन शाम को 8 बजे से, जिस शनिवार शाम को 8 बजे से संडे 9:45 तक सोया, उसकी खबर तो किसी को नहीं देगा, लेकिन किसी भी संडे सुबह सुबह उठ करके थोड़ा प्रार्थना किया तो उस दिन गवाही में बोलेगा, आज भोर के समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब मेरे मन में ऐसे विचार आया, क्यों? भोर को मैंने प्रार्थना किया था बस लोगों को बताने के लिए गवाही में उसको डाल दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल घास का काम है। इस प्रकार का कुछ काम हम करते हैं तो ये सब नाशवान काम है। मैंने किताब में पढ़ा हुआ एक बात ये है, एक बहुत ही बड़े क्या बोलते हैं उत्तावले के साथ में सेवकाई करने वाला एक पास्टर स्वर्ग पहुंच गया, बहुत अच्छा सा अच्छा प्रचारक है, गाता कृपया धीरज रखें, वहां शायद नेट गया होगा, बहुत जल्दी हमारे बीच में वापस आएंगे। नेट का यह समस्या लगभग सभी लोगों को है, काफी लोग द्वारा ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। पास्टर जी बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे। ओके, अभी लेफ्ट हुआ है प्रेस द लॉर्ड। आज शाम को पास्टर संतोष चंदेलकर परमेश्वर का वचन से मनादि करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कृपया शाम को भी 8:30 बजे ज्वाइन होने का प्रयत्न करें। पास्टर जी आ गया है, पास्टर जी ओके, नेट चला गया था। हाँ हाँ, तो ये आदमी स्वर्ग पहुंच गया तो स्वर्गदूत ने उसके उसको बुला करके न्याय के लिए पूछा, प्रतिफल देने के लिए, तो बोला मैं तो 100% प्रभु के लिए धुन के साथ में सेवा किया हूं। तो स्वर्गदूत ने कहा ठीक है, तुम्हारा सब चीजों का रिकॉर्ड है, जरा देखते हैं कैसे कैसे हैं, जरा परखते हैं। तो बोला ठीक है, तुम्हारे 100 किलो नहीं तो 100% वाला तुम्हारे धुन की सेवकाई का यह हम बाइफ्रिकेशन करते हैं कैसे कैसे था। उसमें कहा ठीक है, तुम्हारे 100 किलो में 10 किलो जलन के साथ में सेवा था,
पड़ोसी कलीसिया पड़ोसी पास्टर से जलन करता हुआ तू सेवा किया, इसलिए तेरा 100 किलो या 100% तुम्हारा उसमें सेवकाई की धुन में 10% जलन से था और 42 किलो तुम्हारे 100 किलो में 42 किलो तेरी सेवकाई घमंड से था, घमंड। और कहा 26 किलो उसमें से 26 किलो कुर्सी प्राप्त करने की इरादा से था, अधिकार को प्राप्त करने की इरादा से, अधिकार भ्रम। और धार्मिक वैर था तुम्हारे अंदर, मतलब धर्म दूसरे धर्मों से तुम दुश्मनी रख करके था 15 किलो। तुमने जो सेवकाई किया उसमें इसी प्रकार करीब करीब 93 किलो तो निकल गया, बाकी रह गया 7 किलो, उसमें से 4 किलो या 4% परमेश्वर का प्रेम था और 3% मनुष्यों से तुम्हारा प्रेम था। समझ में आ रहा है ना? हम लोग भी तो सेवा करते हैं, हम लोग भी प्रभु की महिमा करते हैं, सब ठीक है, लेकिन हम क्यों करते हैं सेवकाई? हमारी प्रचार प्रसारण गाना इन सारे चीजों के पीछे मकसद क्या है? मैं जानता हूं ऐसे कई चर्च को पास्टरों को हर साल कन्वेंशन रखवाते हैं केवल इसलिए कि कन्वेंशन के नाम से कुछ पैसा कमाते, कन्वेंशन है करके कलेक्शन लेते हैं। 1 लाख रुपया अगर मिल गया तो जब सबसे ज्यादा 80-90 हजार खर्च कर लेंगे, 10 तो अपने जेब में आ जाएगा। कुछ लोगों ने खुद ही मुझसे कहा है कन्वेंशन हर साल चलाओ तो भी उससे बहुत फायदा है। क्या इरादा? लोग सुसमाचार सुनने के लिए नहीं, इरादा क्या है? बहुत लोग उपवास लेते हैं, क्यों उपवास ले रहे हो? कुछ लोग तो केवल उपवास ले रहे हैं शरीर की चर्बी कम करने के लिए, सिर्फ चर्बी कम करने के लिए। विश्वासी लोग देखें, कलीसिया वाले देखें तो बिल्कुल देखेंगे तो उपवास है। प्रार्थना करता है, आप ये बताओ हमारे प्रार्थना की जिंदगी में गुप्त प्रार्थना लंबा रहता है हमारा या चर्च में हमारी प्रार्थना लंबा है? सोच के देखिए जरा। हम कलीसिया में ज्यादा गाना गाते हैं या अकेले में प्रभु की स्तुति की गाना ज्यादा गाते हैं? शायद गाने में लीड करने वाले क्वायर मास्टर भी घर में गानों का प्रैक्टिस करते होंगे, उसके अलावा प्रभु की महिमा के लिए अकेले में गाना नहीं गाते होंगे। प्यारों, इसीलिए हमारी जिंदगी का सब कुछ परमेश्वर के आग के सामने परखे जाएं तो हमको लज्जित नहीं होना चाहिए। जरा देखो अपनी जिंदगी को, इसी प्रकार जलन से, विरोध से, घमंड से, नाम कमाने के लिए, दिखावा के लिए, कुर्सी छीनने के लिए, इन किसी चीजों के लिए हम कुछ करते हो तो प्यारों परमेश्वर के सामने वो सब लकड़ी घास भूसे का काम होगा। परंतु हम छिप जाएं, हमको कोई जाने नहीं, हमको कोई माने नहीं, हमको कोई प्रतिफल ना मिले, हमको कोई मजदूरी नहीं दे, हमारे नाम कोई नहीं ले, तो भी खुदा के काम जानकर
प्रभु के कामों में लगे रहने वाले भक्तों, हम हिम्मत के साथ में और भी प्रभु के काम में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि हमारे वो बनावट सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का है। प्रेज द लॉर्ड। कहा है, देखिए पहला पत्रस 1:7, पहला पत्रस 1:7, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर। तुम्हारा विश्वास ताई हुई सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। इसीलिए पहले कहा विश्वास के काम परमेश्वर पर आसरा रखते हुए प्रभु ने हमें दिया हुआ विश्वास की रखवाली के लिए हम जो करते हैं वो विश्वास का काम वो सोने से बनाए जाने वाले बनावट। हमें विश्वास में स्थिर रहना है। हम प्रभु में जब बने रहें, विश्वास से, सच्चे विश्वास से हमें हटाने के लिए काफी सारे प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगे, लेकिन तब भी विश्वास से हटे बिना प्रभु में बने रहते हैं वो विश्वास से हम बनावट कर रहे हैं। और रोमियो 8:23 और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। आशा रखना, देह की छुटकारे की बाट जोहना, आशा, उस आशा की जिंदगी, उस आशा में होकर हम जो कुछ करते हैं वो बिल्कुल चांदी की तरह होंगे। प्रभु यीशु मसीह की आगमन की आशा, मसीह की आगमन की आशा में अपनी जिंदगी को पवित्र रखना, जैसे पहला योहन्ना 3:3 में बताया, जिस किसी के भी अंदर इस आशा है, दूसरा पद में बताया हुआ मसीह के समानता का आशा जिस किसी की भी अंदर है वो क्या करेगा, जैसे यीशु मसीह पवित्र है वैसे अपने आप को पवित्र रखेगा। तो उस मसीह की आगमन की आशा में अपनी जिंदगी को पवित्र रखना, पवित्रताई में रहकर जो मसीही जिंदगी बिताना, सेवकाई करना, वो है चांदी की सेवकाई, चांदी की बनावट। और प्रेम के लिए बताया है कि बहुमूल्य पत्थर का कीमत ज्यादा है कि सोने का कीमत ज्यादा है? बहुमूल्य पत्थर का कीमत ज्यादा है, क्योंकि पत्थर का कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, सोने का फिक्स रेट रहता है। हर दिन हम अखबार में भी देखो तो मिलेगा 1 ग्राम सोने का कीमत इतना है, लेकिन बहुमूल्य पत्थर का बोलते हैं वो एक मोह दाम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यों किसी किसी चीज किसी ने चाहा और उसी प्रकार उसको कीमत दे दिया। वैसे देखो तो उसका कीमत उतना नहीं है, लेकिन वो चीज चाहता है तो कितना भी है वो दे करके ले गई। मोहविला मलयालम पर ही मोहविला, एक प्रकार का लालच या लालसा है, उस अनुसार उसकी कीमत दे देते हैं। जैसे मानो प्याज, कभी कभी तो उसका कीमत बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्याज, बिना प्याज का हम खाना खाएंगे, छोड़ो, लेकिन कुछ लोगों को प्याज तो चाहिए, तो कितना भी कीमत है दे करके खरीदेंगे, कितना भी मांगो, हमको चाहिए वो चीज, चाहिए चाहिए। इसलिए है
कहीं हमने देखा कि आजकल मुर्रा भैंस है, कहीं कहीं करोड़ों का कीमत लगा उस पे, जबकि एक भैंस का कीमत उतना होता नहीं। तो वो उसका नाम है जैसे बहुमूल्य पत्थर का, तो उसी प्रकार परमेश्वर के प्रेम में होकर हम अपनी जिंदगी तो बिताएं। हम पर्दे के पीछे छिपे रहना चाहें, कोई हमको ना जाने, लेकिन परमेश्वर की प्रेम में होकर खुदा के काम को करते रहें। प्यारों, वो बहुमूल्य पत्थर का काम है, वो नाश नहीं होंगे, आग में नष्ट नहीं होंगे। तो आइए प्यारों, हमारी जिंदगी को उस प्रकार हम समर्पित करें, कभी भी पापमय जिंदगी में ना बिताते हुए परमेश्वर के प्रेम में, विश्वास में और आशा में अपनी जिंदगी को सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर की बनावट में हम शामिल करें, ताकि हमें लज्जित होना ना पड़े, न्याय के दिन में प्रभु से हमें आदर मिल सके। उस वास्ते अपनी जिंदगी को समर्पण करने के लिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें।